सुत कपी सब तुम्ही समाना, जात उधान अति अति भट बलवाना। मोरे हृदय परम संदेहा, मोरे हृदय परम संदेहा। सुनी कपि प्रकट कीनी निज देहा, कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बल भीरा। सीता मन भरोस तब भयहु, सीता मन भरोस तब भयहु, पुनि लघु रूप पवन सुत करे हूं। नमस्कार। ये सुंदरकांड का आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने पहले कभी बोला है या नहीं बोला है। ये इसका एक संदर्भ बताता हूं, ये सुंदरकांड से है, तुलसीकृत रामायण का एक संदर्भ है, जहां हनुमान जी और सीता जी का मिलन हुआ है और वो अंगूठी दे चुके हैं राम जी को, और सारा कुछ हनुमान जी समझाने की चेष्टा कर रहे हैं सीता जी को कि आप रुकिए, सबर करिए, आप सबर करिए, अनुज सहित अहि रघुवीरा, मतलब वो आएंगे और छोटे भाई के साथ आएंगे और मारी निश्चर लेहु तहु जह, मतलब आपको ले जाएंगे। ये निश्चर, निश्चर मतलब राक्षस, ये सारे राक्षसों को मार के ले जाएंगे। ये सारा कुछ समझाने के बाद भी ना सीता जी को भी मन में भरोसा नहीं होता है। वो क्या है कि वो जो उनको दिखता है, जो दिख रहा है उनको, जो नरेटिव उनको दिख रहा है, वो देख रही है और उनको वो हनुमान जी से क्वेश्चन कर रही है या हनुमान जी को बोल रही है, मोरे हृदय परम संदेहा, मेरे हृदय में बहुत संदेह है कि सारे बंदर सारे बानर, क्योंकि उसके पहले वो बोल चुके हैं आई हैं लघु रघुवीरा अनुज सहित, जो भी है, मैं आई विल नॉट गो इन डिस्क्रिपेंसी, बट क्या है कि मोरे हृदय परम संदेहा, और सारे बानर अगर तुम्हारे से छोटे छोटे हैं और राक्षस इतने बड़े हैं, तो राम जी लेकर भी आ गए तो हराएंगे कैसे, हराएंगे कैसे। याद पड़ता है शायद मैंने सेम संदर्भ बुल्स के लिए बोला था एक टाइम, बट मैं संदर्भ को वापस आज अलग नजरिए से दिखाता हूं, आपको समझाता हूं। मोरे हृदय परम संदेहा, तो आप ये बानर अगर सब छोटे हैं और राक्षस इतने बड़े हैं तो विजय कैसे होगी। तो आप सोचो कि अगर मैं कुछ बोल रहा हूं या मार्केट कुछ बोल रहा है, जहां सीता जी को राम जी के ऊपर विश्वास नहीं था कि आई है रघुवीरा, वो रघुवीर आकर ले जाएंगे आपको, जब हनुमान जी बोल रहे हैं उस पर सीता जी को भरोसा नहीं है। सीता जी लास्ट में कसम भी देती है कि अगर एक सेकेंड बताता हूं, तो इस चीज में ये चीज समझिए। क्या समझने का, इसमें समझने का सिर्फ एक चीज है कि जब तक आप कोई चीज को अपने साक्षात्कार में नहीं देख लेते हो, अब क्या हुआ उसके बाद, हनुमान जी ने अपना कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बल वीरा, उन्होंने अपना वो छोटा जिस रूप में वो आए थे, लंका में प्रवेश किए थे, उसके बाद वो अपना रूप प्रकट किए कि वो एक्चुअली कितने बड़े हैं, सीता मन भरोस तब भयो, सीता जी को तब भरोसा हुआ। अब मैं किस संदर्भ में ये बात बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं, शायद किसी को समझ में आया होगा या कुछ लोगों को समझ में आया होगा। मैं लास्ट 2020 से जब ये वीडियो बना रहा हूं, मैंने हमेशा एक बात बोला है, डरो मत, डरो मत, डरो मत, डरो मत। 2021 के अगस्त सितंबर में आई सेड डरो, आई वेंट रॉन्ग, बट रॉन्ग फॉर फ्यू वीक्स, फ्यू डेज, उसके बाद वो टॉप बना और उसके बाद वो क्रैश हुआ, वो सब जानते हैं, करेक्ट। आज के दिन में मैं क्यों ये रामायण का संदर्भ आपके सामने बोल रहा हूं कि आप लोगों को सबूत चाहिए, और हर हर इंसान को, जब सीता जी को राम जी के ऊपर सबूत चाहिए, हनुमान जी के ऊपर सबूत चाहिए, तो आपको भी सबूत चाहिए कि मैं हाउ शुड आई बिलीव यू,
एंड इट इज अ फैक्ट, इट इज अ फैक्ट। मैं एग्री करता हूं इस चीज को कि आप किस चीज को देखकर बिलीव करते हो या करोगे या करना चाहिए। गुड, वेरी गुड। टाइमलाइन है और मैं उस डिस्कशन में नहीं जाऊंगा। आई जस्ट एक सनातनी और एक सनातन धर्म के हिसाब से आई जस्ट मेंशनड अ पॉइंट कि जब सीता जी को किसी के ऊपर भरोसा नहीं था, और किसके ऊपर? वो हनुमान जी जो राम जी का अंगूठी उसको दे चुके हैं और समझा रहे हैं कि अई हूं रघुवीरा, फिर भी विश्वास नहीं था जब तक वो अपना टैलेंट दिखाए नहीं या अपना विकराल रूप नहीं दिखाए। आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है, मैं लास्ट वीक से सिर्फ बोलना चालू किया हूं। अब डरो। कुछ लोग ऐसे भी हैं, या तो वो इग्नोरेंस में है या वो ओवर स्मार्ट है। कुछ बोलते हैं कि डरो मतलब तो शायद बियर्स डरेंगे और 21,000 हो जाएगा, 19,000 हो जाएगा। रिगार्ड्स टू देम, फर्क नहीं पड़ता है। नुकसान आपका, प्रॉफिट आपका। डरना कब नहीं था और किस जगह मैंने बोला, और डरना कब है, उसका ट्रेलर आज आपको दिखा। ये मार्केट अब एग्जिट नहीं देगा। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था एक साइकिल कि हर साइकिल में एक पीरियड आता है जब लोग सोते हैं। लोग सोते हैं मतलब आप सुबह उठते हो, टॉयलेट जाते हो, फ्रेश रूम मतलब रेस्टरूम जाते हो, खाते हो, सारा दिन अपना काम करते हो, रात को सोते हो, आराम करते हो। ये मार्केट 2009 के बाद से आराम नहीं किया और हम लोगों ने उसको आराम नहीं करने दिया। क्यों? आराम करने का मौका आता नहीं है, उसके पहले हम पहले ही बोल देते हैं बस अब ये गिरने वाला है, अब ये गिरने वाला है, अब ये गिरने वाला है। वो बेचारा आराम करना चाहता भी है तो वो आराम नहीं कर पा रहा है। और आप लोग या हम लोग, मैं हम लोग बोलूंगा, हम लोग उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं कि उसको सुस्ताना भी जरूरी है। इस बार प्रॉब्लम बड़ा होगा, या जो लोग शॉर्ट विजन में रहते हैं, कल परसों तरसों एक वीक दो वीक, वो शायद फिर आएंगे और फिर बोलेंगे कि आप रॉन्ग हम रॉन्ग। लास्ट वीडियो जाकर देखिए, बहुत लोगों ने कमेंट दिया है कि आप रॉन्ग हम रॉन्ग, 19,500, 20,000। अरे मेरा भी यही व्यू था कि अक्टूबर मेरे बर्थडे वाले दिन हम ATH पे रहेंगे। वो चेंज हो गया। क्यों हुआ समझिए, मैं समझाता हूं, डिटेल्स देता हूं, कुछ दूंगा पूरा नहीं दूंगा। सेम लॉजिक अदर साइड ऑफ द टेबल। निफ्टी 15,100-200 से ऊपर चलना चालू हुआ, 16,200-300-400 तक गया। उसके बाद उसका मूव कैसा था? गैप अप, गैप अप, गैप अप, गैप अप, गैप अप। यह स्ट्रक्चर कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, बट मेरे ऐसा आदमी जो हमेशा, और मेरा एक इतिहास है और मैंने बहुत मिड कैप स्मॉल कैप्स को देखा है, अगर उस चीज को समझूं तो मेरे दिमाग में इमीडिएटली आया, कोई भी एक स्टॉक लीजिए, आप सब ट्रेडर हैं, कोई भी एक स्टॉक लीजिए, अगर वो मिड कैप है, स्मॉल कैप है, कुछ भी है, ऑब्वियसली लार्ज कैप में होता नहीं, बट मिड कैप स्मॉल, वो अपर सर्किट लगा और पूरे न्यूज फ्लो पे आ गया कि तेजी है, आप भी अपर सर्किट में बाइंग ऑर्डर लगाओगे। अगर खुदा ना खास्ता आपको मिल गया और नेक्स्ट दिन फिर अपर सर्किट है, तो आप अपने आप को ब्लेस समझोगे कि आपको ये माल मिल गया। फिर 2-3-4 जितना अपर सर्किट जाते जाओ, आप अपने आप को खुश समझोगे कि खुशकिस्मत समझोगे कि मेरा माल आ गया। पेपर में प्रॉफिट ऐड करते रहोगे, पेपर में प्रॉफिट ऐड करते रहोगे। लोग जहां पहला सर्किट अगर 5,00,000 शेयर से लगाता है हाइपोथेटिकली, वो 5, 6, 7, 10, 15, 20, क्योंकि यूफोरिया डेवलप हो रहा है, अब ये शेयर मिलेगा ही नहीं। स्मॉल कैप मिड कैप की बात कर रहा हूं, और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद डाउन सर्किट चालू होता है। जो लास्ट में माल लेता है उसका माल जीरो जीरो तक भी नहीं बिकता है, या व्हाटएवर लॉस तक भी नहीं बिकता है। ये इतिहास है, ये मार्केट गवाह है, और आप सब शायद कभी ना कभी इतिहास में इस तरह के कोई ना कोई यूफोरिया में फंसे होंगे। इस बार निफ्टी में ऐसा क्या था कि गैप अप, गैप अप, गैप अप, गैप अप, एल्गो चला, लोग
कुछ लोग मेरे मेंबर्स भी ब्लेम किए कि सर ऊपर जा रहा है, क्योंकि 16,800-16,900 के बाद आई क्लियरली साउंडेड अ वार्निंग, अब हम तेजी में नहीं है, वी वर नॉट शॉर्ट, हम शॉर्ट नहीं थे बट हम तेजी से निकल गए। आप बोलने को बोल सकते हो 1,000 पॉइंट लॉस हुआ, मतलब 1,000 पॉइंट वी मिस्ड, लॉस ऑफ प्रॉफिट इज नो आर्ग्यूमेंट। अगर बड़े बुजुर्ग नहीं मरे होते तो फौज होती, ये पुराना कहावत है कि अगर इफ द ओल्ड जनरेशन डिडंट डाई वी वुड हैव बीन एन आर्मी, ये तो एक पुराना कहावत है, इसको भूल जाइए। पर हुआ क्या, मार्केट निफ्टी जैसा चीज जो रोज गैप अप ओपन करके एल्गो से उसको मेंटेन करना, मतलब फियरफुली कोई बेचेगा नहीं, वॉल्यूम्स डिप्लीटेड। आई ट्वीटेड, कितने बार मैंने ट्वीट किया एंड आई ट्वीटेड विथ डेटा कि जिस दिन टॉप बना उसके एक दिन पहले लोएस्ट, और फिर वही हुआ थर्सडे के क्लियरिंग के दिन। वेनसडे वॉज द लोएस्ट वॉल्यूम एंड थर्सडे वी मेड अ टॉप एंड देन वी फेल, हम गिर गए, मतलब निफ्टी गिरा। मैं डेटा शेयर करूं, टाइम शेयर करूं, साइकोलॉजी शेयर करूं, मैं क्या क्या चीज शेयर करूं, आई सी थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स। मैं यूएस बॉन्ड यील्ड को फॉलो कर रहा हूं, मैं आई एम फॉलोइंग एन नंबर ऑफ थिंग्स, लाइक आई सेड आईटी का टॉप हो गया, फिर आई थिंक लास्ट टू लास्ट मंथ व्हेन आई सेड आईटी में बाउंस आएगा, पर पुराना भाव नहीं आएगा, फिर वापस लो टूट जाएगा, वही हुआ। अब मैं फिर बोलता हूं आईटी में शायद फिर छोटा बाउंस आएगा, पर छोटा फर्स्ट मतलब जिसको बोलते हैं ना ट्रैप, आईटी में बैंकिंग में इट इज जस्ट अ लैंडमाइन ऑफ ट्रैप्स, आप ट्रैप होते चले जाएंगे। लोग ये सोचेंगे एचसीएल टेक अच्छा अच्छा 870 में नहीं लिया, 900-1000 हो गया ले लिया, एवरेज 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 एवरेज। मैंने लास्ट वीडियो में एग्जांपल दिया था टाटा मोटर का, मैंने लास्ट वीडियो में एग्जांपल दिया था आईटीसी का, लोग बोलते हैं वो स्प्लिट के कारण हुआ, नहीं स्प्लिट के कारण नहीं हुआ, गो एंड चेक डेटा, गो एंड चेक एक्चुअल डेटा। वो रिस्क के हुआ, ये कहावत है रिस्क के होना, मतलब ड्रॉप बाई ड्रॉप बाई ड्रॉप, एक आदमी का नस अगर काट दिया जाए ना यहां से तो वो ड्रॉप 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 ब्लड गिरता है, और वो ड्रॉप ड्रॉप ब्लड गिर के फिर वो मरता है, दैट इज अ मोस्ट पेनफुल डेथ। आज तक मैंने 2020 में चैनल चालू किया था, मैंने कभी इस तरह डराया नहीं और मैं डराना चाहता भी नहीं। वॉट आई वॉन्ट टू से, वॉट आई वॉन्ट टू कन्वे इज वेरी सिंपल। अब अगर कोई नहीं डरा, एक साइकिल है, एक नेचर है, एक नेचर का कॉल है, और कहीं ना कहीं वो दिख रहा है। आज एक ट्रेलर था, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, आप दो दिन बाद आके बोलोगे बाजार ऊपर चला गया, बाजार नीचे चला गया, वो नहीं। आई कांट शेयर डिटेल्स बिकॉज मैंने अभी स्टार्टिंग में क्या बोला कि जो बाजार क्या हो रहा है कि बाजार अपने नेचर को नेचर से हट रहा है। एक एग्जांपल देता हूं बिकॉज आई स्टडी सो मेनी थिंग्स। हम अगेंस्ट द नेचर डैम बनाते हैं, और कितने डैम बन चुके हैं, पर क्या होता है जब सैलाब आना होता है वो डैम टूटता है, और उसके बाद वो डैम बना के जितना फायदा 10-15 साल में नहीं होता है ना, वो 5 मिनट में या 10 मिनट में उससे बड़ा नुकसान होता है जब वो डैम टूटता है। आप कितना उससे बेनिफिट लेते हो नहीं पता। आई एम ऑलवेज विद द नेचर, आई एम ऑलवेज विद द नेचर एंड आई एम ऑलवेज फॉर द नेचर। नेचर नेचुरल लॉ, जो नेचर का लॉ है उसके अगेंस्ट में आप क्या कर रहे हो या क्या करने जा रहे हो, क्या हुआ। मैं एक बहुत अच्छा अनदर एग्जांपल, आज से 15 साल 17 साल या पता नहीं पर 20 साल पहले प्लास्टिक 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 प्लास्टिक, आई रिमेंबर वी यूज टू गिव न्यूज़पेपर टू आवर मेड, अपनी घर में जो काम करती थी उसको दे देते थे न्यूज़पेपर, वो ठोंगा बनाती थी, ठोंगा बोलते हैं उसको, ठोंगा। आई थिंक न्यू जनरेशन ऑल्सो डजंट नो द हिंदी ऑफ पेपर बैग, जिसको ठोंगा बोलते हैं, वो ठोंगा बना के बेचती थी। वो ठोंगा भी एक बिजनेस था, केले के पत्ते में खाना एक नेचर था, साल पत्ता जो सूखा पत्ता आता है साल पत्ते में खाना एक नेचर था, एक नेचुरल लॉ था। इसके संग बहुत
एस्ट्रोलॉजी इन्वॉल्व है, बहुत कुछ इन्वॉल्व है। मैं उस चीज को डिस्कशन में नहीं जाऊंगा कि साल पत्ते में खाने का क्या बेनिफिट है, केले के पत्ते में खाने का क्या बेनिफिट है, और कागज के ठोंगे का क्या बेनिफिट है। क्या हुआ, 15-20 साल सब कुछ घूम गया, प्लास्टिक आया, प्लास्टिक 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 करके पूरी दुनिया उसके पीछे घूम गई, प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक। हम कांच के बोतल में रैली सिंह के शरबत को पीकर उसके बाद उस बोतल में फ्रिज में पानी रखते थे, जल रखते थे। प्लास्टिक आया तो प्लास्टिक का बोतल और कांच का बोतल हट गया। आज देखो क्या हुआ, आज वापस घूम के नेचर आया कि नहीं, वहीं पर आज फिर वही रेवोल्यूशन आया जहां हम फिर वही बात कर रहे हैं, कांच का बोतल प्लास्टिक का बोतल हटाओ बिकॉज दैट इज कार्सिनोजेनिक। फिर वही कांच का बोतल और फिर कांच का बोतल से वापस पुराना मटका जो अर्दन पॉट का जो मट्टी जलाकर जिसको बोलते हैं उसका बोतल बन रहा है और फैंसी दामों में बिक रहा है। वो भी एक प्रोजेक्ट है, स्टार्टअप है। कम ऑन मैन, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आप नेचर को पहले समझ लो ना, नेचर क्या बोलना चाहता है, नेचर क्या करना चाहता है, नेचर आपको इशारा क्या कर रहा है, आप उसके अगेंस्ट में चल रहे हो, अगेंस्ट डिफाइंग ऑल द ग्रैव, मतलब अगेंस्ट ऑल द नेचुरल फोर्सेस। आप जब चले 15-17 साल 20 साल, क्या हुआ, ओजोन हो गया, एक होल हो गया। अब आप बोलोगे उसको सेव करना, क्लाइमेट सबमिट करोगे, यूएन करोगे, ये करोगे, वो करोगे, कोई फायदा नहीं, बिकॉज द डैमेज इज डन। अब आप वापस प्लास्टिक को बैन कर लो, वापस अर्दन वेयर में आ जाओ या वापस आप ग्लास वेयर में आ जाओ, बट अल्टीमेट डैमेज इज डन। मैं कहां का कहां चला गया, मैं जो एक साइकिल की बात कर रहा था मार्केट से, उससे मैं 25-30-40-50-100 साल की साइकिल में चला गया, जो मैं आप देख सकते हो हाउ हिस्ट्री रिपीट्स, हाउ टाइम विल कम एंड स्लैप यू एंड से सी दिस वॉज करेक्ट, वॉट आई वॉज डूइंग इज करेक्ट। लोग आकर कल बोलते हैं मेरे को, दो दिन पहले कुछ हुआ था, देर वॉज सम स्टमक अल्सर एंड आई गेव अ मेडिसिन जस्ट, एंड मिल्क इज रॉन्ग। आई सेड गॉड डैम इट, आई ओनली फॉलो व्हाट माय एंसेस्टर्स यूज टू डू। मेरे लिए एक वही चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो 100-200 साल जीते भी थे, उनका जीवन अच्छा था। आप क्या करते हो वो आप सोचो, आप बर्गर पिज्जा और क्या खाते हो आई डोंट नो, बट वो दूध पीकर और घी पीकर भी खुश रहते थे, उनका जीवन समझो। आप नहीं समझ रहे हो इस मार्केट के साइकिल को, मार्केट के साइकिल को आपको लगता है बहुत इजी है, हाँ प्लास्टिक जनरेशन में आ गए, बाय ऑन डिप बाय ऑन डिप बाय ऑन डिप बाय ऑन डिप। जिस दिन ये मार्केट आपको स्लैप करेगा और ओजोन होल हो जाएगा, उस दिन आपका माल बिकेगा नहीं। माल तभी बिकता है जब आपके सामने बायर हो और आप भी सेलर हो और पूरी दुनिया सेलर हो, फिर आप बेचोगे किसको? और ये मार्केट एग्जिट नहीं देगा इस बार, ये मार्केट सरप्राइज करेगा, क्योंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है, ये मार्केट सरप्राइज करेगा। अक्टूबर के हाई के लिए, 22-23 अक्टूबर मेरा बर्थडे है, अक्टूबर के हाई के लिए आई वॉज द 1% फर्स्ट पर्सन प्रॉब्लम, जो शायद 15,100-200 में जो बोल रहा था बाय बाय बाय, आई हैड अ विजन वी विल क्रॉस ATH एंड आई हैड अ विजन कि अक्टूबर में वी विल बी पास्ट ATH। But this move, market is dynamic. आपको फिर स्टडी टेबल पे बैठना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्यों, कैसे, किस लिए। मिनी साइकिल भी अगर उसके बीच का अगर चेंज हुआ तो क्यों हुआ, किस लिए हुआ? उसका रीजन, व्हाट वाज द रीजन, व्हाई द मिनी साइकिल उसके बीच का 10 दिन या 5 दिन या 8 दिन या 15 दिन का अगर फॉल आना चाहिए था वो क्यों नहीं आया? दैट मीन्स मार्केट वॉन्ट्स टू डू समथिंग डिफरेंट, मार्केट इज इन अ डिफरेंट ट्रेजेक्टरी एंड प्रोबेबली I don't know, मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब I can only say and suggest beyond cash, because ये market I tweeted long back, मतलब last week, black swan ये होगा, और होने के बाद अगर आपको लगा हो चुका फिर क्या, फिर आप कहां? उससे अच्छा ये है ना कि मैं क्या बोलूं, मतलब यू नीड टू बी प्रोएक्टिव। रिएक्टिव इस बार बाजार टाइम नहीं देगा, जैसे इस बार हुआ, आज सुबह हुआ, आज का फॉल हमारा, आई टोल्ड माई ऑल माई मेंबर्स कि आज का फॉल है, ये है, शॉर्ट है। आज का सुबह प्री मार्केट में भी वी टोल्ड कि फिर बाउंस आ जाएगा,
मार्केट हैरेस करेगा आपको, मार्केट आपको इस लेवल तक हैरेस करेगा ना कि बुल्स भी इस लेवल तक फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और बियर्स भी इस लेवल तक फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, और वो लास्ट मूव जो होगा ना, वो लास्ट मूव जहां आप ट्रैप होंगे, वो ट्रैप सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं इसके आगे कुछ नहीं बोलूंगा। मेरे हिसाब से जो लोगों के संग मैं जुड़ा हूं, I have requested them with a broader time frame to liquidate all portfolios, cash holdings, जो भी है, मतलब with a not vision कि कल कितना होगा, loss of profit की बात नहीं करेंगे, let us not talk about loss of profit, because 2023 January everyone is talking about a crash, जैसे कि October 2022 में everyone is talking about a high, 2023 January everyone is talking about a crash. Is it so simple? Social media का जमाना है, you will wear all protective gear और उसके बाद वो होगा, everyone will be wearing a protective gear and then you believe कि it will happen. I don't think it will happen. Market is going to surprise and surprise very badly, because market, वो जो बांध है ना, you have made a dam बांध, वो टूटेगा, आपको बोल के नहीं टूटेगा, बिकॉज आज तक क्लाउड बर्स्ट होता है नेचर में, आप देख लो, क्लाउड बर्स्ट होता है, अर्थक्वेक होता है और डैम टूट जाता है, ये बोल के नहीं टूटता। विद द बेस्ट ऑफ साइंटिफिक एविडेंस, trajectory we deal with, still these things happen, dams break, cloudburst happen, earthquakes happen, and they bring disaster. So my work is only, aaj tak aap log samjh jante ho, main warning aaj bhi de raha hu, lena hai lo, nahi lena hai matlab.